नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कायागुल में। और आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे महाराजा बैटरीज के स्टॉक के बारे में। उससे पहले यहाँ पे आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले हमने आपके साथ एक स्टॉक शेयर किया था एल्कम लैब्स का, जिसमें 2930 के लेवल के आसपास हमने आपको बाय करने के लिए बोला था। और जो पहला शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था वो था 3100 रुपये का। तो स्टॉक ने आज अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। वो वीडियो अगर कोई देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक था DFM फूड्स का, जिसमें हमने 330-335 के आसपास बाय करने के लिए बोला था। और जो पहला शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था वो था 400 रुपये का। तो स्टॉक ने भी आज अपने टारगेट को अचीव कर लिया, जहां पे हमने 380 के आसपास अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया था 2 दिन पहले ही। अब बात कर लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में, जो कि है महाराजा बैटरीज के स्टॉक। क्योंकि जिस तरीके से ऑटो सेल्स के में आंकड़े आ रहे हैं, तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इस स्टॉक का आज का ट्रेडिंग सेशन किस तरीके का रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक जो आज क्लोज हुआ है वो हुआ है 739 रुपये के आसपास, और जो इसका प्रीवियस क्लोज था वो था 741 रुपये के आसपास। और जहाँ पर ये प्रीवियस क्लोज था उसी के प्राइस पे ओपन भी हुआ, और जो इसका हाई लगा वो था 748 रुपये के आसपास का, जो लो लगा वो था 738 रुपये के आसपास का। आप देख सकते हैं कि इसका जो 52 वीक हाई है वो है 1025 रुपये के आसपास का, और जो 52 वीक लो है वो है 601 रुपये के आसपास का। और आज के दिन इसमें जो बाइंग देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं 46% के आसपास की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिलती है। अब आज हम हमारा जो बैटरीज़ के फंडामेंटल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो अगर कोई देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके के महाराजा बैटरीज़ के फंडामेंटल्स हैं। यहाँ पे हम पूरी बात करेंगे टेक्निकल बेसिस पे कि किस तरीके का इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, और देख लेते हैं डेली बेसिस पे कि अभी तक इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे ये अभी भी अपने लोअर बोलिंजर लाइन है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। नो डाउट आपकी जो सुपर ट्रेंड लाइन है वहाँ से आपको डाउन ट्रेंड शो हो रहा है, लेकिन अभी भी ये अपने जो लोअर बोलिंजर लाइन है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब देख लेते हैं वीकली बेसिस पे किस तरीके का चार्ट बन रहा है। तो आप वीकली बेसिस पे भी देख सकते हैं, वीकली बेसिस में भी ये अपने जो लोअर लाइन है, लोअर बोलिंजर लाइन है, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसने अभी तक जो लोअर बोलिंजर लाइन को ब्रेक नहीं किया है। सुपर ट्रेंड बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको डाउन ट्रेंड शो होगा, लेकिन कहीं भी इस पे वीकनेस नहीं है कि इसने अपने लोअर बोलिंजर लाइन को ब्रेक कर दिया हो। मंथली बेसिस पे आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है अभी भी उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो मिडिल जो बोलिंजर लाइन है उसके आसपास है। तो मेरा यहाँ से मानना है कि स्टॉक पे यहाँ पे SIP बेसिस पे बाय करके चलना चाहिए। आपको जितनी बार भी डिप मिलता है स्टॉक में, तो स्टॉक को डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। अच्छी कंपनी है, किसी भी तरीके की कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिस तरीके के ऑटो सेल्स के आज नतीजे आए हैं, तो मेरा यहाँ से मानना है कि ये स्टॉक डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा करेगा। और जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, जो 850-900 तक के टारगेट दिए थे वो अब भी बरकरार हैं, इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। और जो शॉर्ट टर्म टारगेट 850 का है वो स्टॉक में आपको बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा, और जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है 950-1000 के आसपास का, वो भी इस स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में आगे आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। तो इस स्टॉक को डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ से मानना है कि स्टॉक में यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। और ऐसा यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 650-600 तक के लेवल आपको डाउनसाइड देखने को मिलेंगे। तो इस स्टॉक को डेफिनेटली ऐसे बाय करना चाहिए, और किसी भी तरीके की मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो वहाँ पे आपको डिप में बाय करना चाहिए। और जो स्विंग ट्रेडर हैं या जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो 720 का एक जो स्टॉप लॉस है वो लगा के इसको रख सकते हैं अपने पास। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इसको बाय करके चलना चाहता है तो डेफिनेटली यहाँ से इसको बाय करके चल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। बाय बाय।